नमस्कार, कुकिंग फैटिक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू चीज़ पकोड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसका हम बेसन से नहीं बनाएंगे, आज कुछ अलग ही बनाएंगे हम। इसके लिए तो सबसे पहले हम दो आलू लिया है, जो जन मध्यम आकार के दो आलू, जो वजन के हिसाब से 300 ग्राम है। एक गाजर वजन के हिसाब से 70 ग्राम है। इसको हम अच्छे से उसको छिलका निकाल लेंगे। अब इसका बीज बराबर हम काट देंगे। गाजर को आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, लेकिन आलू को काटना जरूरी है, ज़्यादा बड़ा बड़ा लच्छा नहीं चाहिए। मैंने गाजर काट लिया है, आप ना ही काटेंगे तो चलेगा। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। बड़ा वाला नहीं, छलनी से नहीं करना है, जो माझारी आकर के जो छलनी कद्दूकस करना होता है उसी में हम कर लेंगे इसको। सारे आलू का हम कद्दूकस कर लेंगे। सारे आलू का हम कद्दूकस कर लिया है, देखिए। अब एक बाउल में पानी लेंगे, उसके ऊपर हम काटे हुए आलू रख देंगे और गाजर के भी हम कद्दूकस कर लेंगे। सारे गाजर का हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको भी हम आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छे से 2-3 बार हम धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद इसका पानी सारे निचोड़ के, सारे पानी अच्छे से निचोड़ना है इसको। फिर एक बाउल में इसको निकालना, रख देना है। सारे आलू का हमने पानी निचोड़ लिया है। अब हम इसमें एक माझारी साइज का प्याज बिल्कुल पतला पतला करके काट लिया है, इसको डाल देंगे। तीन बारीक कटे हुए हरी मिर्च, कुछ हरा धनिया धो के हमने उस काट लिया है। 2 बड़ा चम्मच मैदा, हम बेसन नहीं यूज करेंगे। एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। मैं इधर मोजरेला चीज़ लिए हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। अब आलू का जो मिक्सर है उसमें से थोड़ा ले लेंगे और अंदर थोड़ा सा चीज़ भर देंगे। अब बंद करके एक छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। ऐसे सारे बॉल बना लेंगे। सारे बॉल बना लिए। आप चाहे तो इसको बॉल बनाने के बाद 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अगर नहीं फ्रिज में रखना चाहते तो ना भी चलेगा। मैंने पहले से ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसको डालना, ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको फ्राई नहीं करना है। मीडियम से हाई फ्लेम में रख, अच्छे से नीचे फ्राई होने के बाद ही इसको पलटाना है, नहीं तो टूटने का चांसेस रहता है। मैंने ऐसे सारे पकौड़ा फ्राई कर लिया है। ये देखने में जितनी सुंदर लगते हैं, खाना में बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। रेसिपी अगर पसंद आए, लाइक्स कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।